थैंक यू बेटे जी, थैंक यू। बहुत साल पहले हमने भी इसी तरह इसी जगह से किसी को एक फूल भेजा था। तुमने हमारा एक खोया हुआ पल हमें लौटा दिया। थैंक यू बेटे, थैंक यू। वैसे हमारी प्रेम कहानी का अंत बहुत ही दर्दनाक था। क्या हुआ? हमारी शादी हो गई। हमारी शादी हो गई थी। वैसे शादी से पहले जिन गुलामों को देखकर ये गुलाबी हो जाया करती थी शर्म से, अब उन्हीं को देखकर ये लाल हो जाती है गुस्से से। फूल महंगे हो गए ना। अब बस भी करो, बच्चों के सामने जो मुंह में आया वो बोले चले जाओ। भाई मुंह में आइसक्रीम भर दो, हम खामोश हो जाएंगे। आइसक्रीम खाओगे बेटा? डॉक्टर ने मना किया है ना मीठा खाने को, इसलिए तुम्हारे बहाने ये। अरे बहाने ढूंढने पड़ते हैं किसी भी काम के लिए। वक्त का सितम देखो बेटा, जीने का बहाना साथ होना चाहिए, चाहे यादों के सहारे क्यों ना सही, जिंदगी बड़ी अच्छी लगती है। अब तुम्हारा वक्त है, जाओ अपनी यादें बनाओ। यादें बुढ़ापे की लाठी होती हैं, उनके सहारे आदमी चल पड़ता है। जैसे कि चलो, जैसे कि हम चल लेते हैं। चलो। तुम्हें देखकर अपना बेटा याद आ गया। लता, डोंट स्टार्ट दैट अगेन। नो, तुमने हमें हमारा एक बीता हुआ पल लौटा दिया, उसकी कोई कीमत नहीं बेटे। हाँ, अगर हम तुम्हारे किसी भी काम आ सकते हैं तो ये हमारे एक कार्ड रख लो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। कोई भी काम हो तो चले आना। गॉड ब्लेस यू। चलो। प्यारी माँ, ये रुपया मैंने ना चुराया है ना किसी से मांगा है, ये मेरी पहली कमाई है। बाबूजी से लक्ष्मी माँ के सामने रखने के लायक समझेंगे तो बड़ी खुशी होगी। माँ पहली कमाई घर भेजते हैं, मैं लापता हूँ फिर भी मेरा पता वही है, मेरा घर वही है जहाँ तू है। अब तो आ गया ना तुम्हें चैन? हाथ धोकर पड़े रहते थे मेरे बच्चे के पीछे। तू ही तो है ना उसकी माँ, मेरा तो कुछ नहीं है ना। वो इतना ही प्यार था तो तुम मेरे बच्चे की खुशियां ना छीन लेते। बस कर उषा रानी, बस कर। सारा कसूर तो जैसे मेरा ही है ना, और उसने जो किया। पता तक नहीं निकालना लायक ने। पर अच्छा है, चलो कमाने तो लगा बेटा। राम कुमार, ये रुपया माता के चरणों में रख दे जाके। डॉक्टर साहब। हेलो नेहा, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। ये लौटाने आई थी कमरे के डिपॉजिट के पैसे। इसकी कोई जल्दी नहीं थी मुझे नेहा। मुझे है डॉक्टर साहब, उस दिन इन पैसों की मेरे लिए जो कीमत थी वो तो मैं कभी नहीं लौटा सकती। रकम लौटा रही हूँ। इसके लिए कुछ बेचना पड़ा तुम्हें? प्लीज रख लीजिए, शायद किसी दिन ऐसे ही किसी के काम आ सके जिसके पास बेचने के लिए भी कुछ ना हो। प्लीज डॉक्टर साहब। बहुत नजदीक से जानता हूँ ऐसे लोगों को जिनके पास बेचने को कुछ ना हो। पिताजी ड्राइवर थे ना, फासलों की आदत थी उन्हें। एक दफा जो घर से गए कभी लौट के नहीं आए। क्यों? उनके इलाज में घर की एक चीज बिक गई, लंग कैंसर था उन्हें। जब मेरी पढ़ाई का पैसा उनके इलाज में जाने लगा तो एक दिन चुपचाप रात को उठे, मेरा नाइट लैंप ऑफ किया, रोज की तरह मुझे रजाई उड़ाई
और चले गए। आज होते तो उनका इलाज हो पाता फ्री ऑफ चार्ज। एनीवे, ये आपकी आज की डोज आपकी हंसी के लिए। अरे लंडरी लंडन में भीगे लाल खुद ही रे भैया धोए ला कपड़ावा। अरे ए धोबी, भीगे लाल को बुलाओ। क्या काम है? काम वो जानते हैं, तुम अपना काम करो, बुलाओ उन्हें। माँ बाप ने घड़ी पहनना सिखाया, तमीज से सिखाई। शट अप, यू शट अप। लंडन लॉन्ड्री में आकर मुझसे ऐसी बातें करते हो? हाउ आर यू, हु आर यू? दीवान जी, दीवान जी, दीवान जी, सॉरी सर। तुम ही हो भिगेलाल? हाँ, नहीं मैं भिगेलाल, मैं तो नौकर आदमी हूँ, भिगेलाल जी ऊपर बैठे हुए हैं। मैं भी बुलाता सर, आप आप बैठिए, मैं बुलाता हूँ, बैठिए सर। लेकिन सर, सर मैं नहीं हूँ अब, सर तुम हो, चलो मेरे साथ। देखिए देखिए, क्या देखूं, उस दीवान जी ने मुझे देख लिया इस पजामे में। क्या वो 40-50 हज़ार रुपए देगा इन सिक्कों के? अरे उसको पता चलेगा कि मैं भीगे लाल हूं तो भाग जाएगा। मैंने पता नहीं उन्हें क्या क्या बोल दिया। मुझे नहीं होगा सर। तुझसे तुझसे, देख मेरा सपना टूट जाएगा। तू जानता है ना सपना क्या होता है? हाँ सर, मैं जानता हूँ सपना क्या होता है। चलिए दीवान जी, ये भीगे लाल, इन्हीं की ये दुकान और इनकी अचकन, ये रहा कलेक्शन। भाई हम तो बहुत उतावले हैं आपका कलेक्शन देखने के लिए। ये कलेक्शन मेरा नहीं है सर, बापू का है। सर मेरे बापू ने, इनके बापू ने सेलेक्ट किया है, कलेक्ट किया है। और आप सेलेक्ट कीजिए ये कलेक्शन। हाउ वेरी इंटरेस्टिंग। वो क्या कहते हैं वो, व्हाट, वो देखने वाला ले आता हूं मैं। ये तो शाहजहां के वक्त का है ना जी? इसी सिक्के के बारे में आपने लिखकर कहा था कि इसकी कोई खासियत है जो आप मिलकर बताएंगे। लिखा था? हाँ हाँ, लिखा था, लिखा था। जरा दिखाइए ये सिक्का। नहीं दीवान जी, किस्सा है, किस्सा। किस्सा? कौन सा किस्सा? वो झील का किनारा, वो आरती के सुर और वो हजारों दिए और उन दियों की रोशनी में वो देवी के दर्शन। देवी? मुमताज, मुमताज महल। झील के किनारे फकीरों में पैसे बांट रही थी जब शाहजहां ने उसे पहली बारी देखा। देखते 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 पहुंचा उसके करीब और मुमताज ने पैसे बांटते 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 ये सिक्का उसके हाथ पे रख दिया। वाह वाह, भीगेलाल जी वाह। थैंक यू। और ये जहांगीरी सिक्का, क्या इसका भी कोई किस्सा है क्या? किस्सा? ये तो हिस्सा है, हिस्सा दीवान जी, इतिहास का हिस्सा। कह रहा दे रहा था अधारकर के घर सारी शमाएं बुझी हुई थी, भारकट दरवाजे पर नौकरानी ने सलीम को कहा, अनारकली सब कुछ छोड़कर चली गई। Why? मायूस सलीम लौटा और इतने में एक आवाज आई, ठन ठन ठन। सलीम मुड़ा और पहुंचा कहां? अनारकली के पास, और उसने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? अनारकली ने चीख कर कहा, क्योंकि तुम्हारे पिताजी को हमारी शादी मंजूर नहीं थी और मैंने कसम खाई है अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, कसम खाई है, कसम। क्या हुआ? मैंने कसम खाई थी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। What? मुझे ये नहीं होगा, मैंने कसम खाई थी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये क्या हुआ सर आपको? मैं सर, सर तो आप हैं, आप है भीगेलाल, मैं तो आपका मजाक कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने कसम खाई थी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा। हमने आपको धोखा दिया, अगर आप चले जाएंगे तो इनके बापों का सपना भी चला जाएगा। ये है भीगेलाल।
माफ कीजिए। सिक्के कहाँ ले जा रहे हैं भीगेलाल जी? किससे झूठे हैं मगर सिक्के सच्चे हैं, और इनके मैं आपको 65,000 दूंगा, ठीक है? 65,000 रुपए? आपने मेरे बापू का कलेक्शन खरीद लिया? दीवान जी, मेरे बापू का सपना पूरा हो गया। मैं जिंदगी भर आपके बच्चों के बच्चों के कपड़े धुलवा के दूंगा। दीवान जी, मैं आपके लिए क्या करूं? आपको कहीं फोन करना है? प्लीज, मैं आपके लिए क्या करूं? बापू, बापू मैं आ रहा हूं। नहीं, मैं जा रहा हूं, लंदन जाऊंगा मैं। गो टू लंदन। बिरजू, आपके 64,700, 64,800, 64,900, 65,000, रबड़ लगा, 100, 200, कितनी बार गिनेंगे? उतने ही है, उतने रहेंगे ना? हाँ सर। मैं कहाँ कितनी बार गिन रहा हूँ, 32 बार तो गिना हूँ मैं। क्या बिरजू, यकीन नहीं आता कि मैं 2 दिन में लंदन जा रहा हूँ। Within 2 days, लंदन। उड़ जा, उड़ जा, उड़ जा। तेरे नीचे चाबी है कबाड़ की। लंदन में जाऊंगा बन ठन के, लंदन में जाऊंगा बन ठन के। बिरजू, जब मेरे बापू ये दुनिया छोड़ गए थे ना, तो इस दुनिया में सिर्फ 2 चीज छोड़ गए थे, इसके अंदर सिर्फ 10 रुपए और बाहर मुझे। आज भगवान की दया से इसके अंदर 1,25,000 रुपए। ये देखो मैप, लंदन का मैप। ये है मेफेयर, मेम साहब का घर। बापू सुबह शाम इस मैप को दिखा करते थे, लंदन, इंग्लैंड। मेरी तैयारी दिखा दो, चल यार। ये है लंदन की पैकिंग, स्वेटर्स, कोट, मैगजीन। ओ, ये दूरबीन। बापू कहते थे इससे एस फॉर स्टार तक नजर जाती है, लेकिन ई फॉर इंग्लैंड नहीं दिखता। इधर आ, इधर आ, इधर इधर आ। इसे कहते हैं बायनाकुलर्स, दूरबीन। दूर की चीजें करीब नजर आती है। देख 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 देख, अरे देख, माल रोड के नजारे देख, चांद देख, तारे देख, कुछ दिख रहा है? चाहिए जाकर काउंटर पर 20,000 रुपए जमा करा दीजिए। 20,000? आईसीयू का डिपॉजिट, ऑपरेशन करना होगा। चाहिए? सुनिए। यस। तो ऑपरेशन कितना लगेगा? 1,25,000। चाहिए, जल्दी कीजिए। जाकर तारे गिनकर आ गए। कैसे पास पास से दिखाई दे रहे तेरे तारे? सर मुझे पैसे चाहिए। पैसे चाहिए? ओ ले ले, ये ले, बोनस रख ले। अरे मेरा तो चल जाएगा यार, 1,24,900 में चल जाएगा। और चाहिए? यू आर मनी मो, ये ले, ये 50 और रख ले, चल जा, रख ले। और चाहिए? 1, 2, 3, बोल, आवाज कर, आवाज कर, तुझे कितना चाहिए बोल। 1,25,000। 1,25,000? दूरबीन निकाल, दूरबीन निकाल। कहता था झूठ ना बोलने की कसम खाई है, अब मजाक करने से कसम नहीं टूटती। जो कर रहा है, जा बजा तो तारे गिन के आ, मुझे नोट गिनने दे, जा 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 जा। बिरजू, तू फौरन आ जा, माँ बहुत बीमार है। मैंने तुम्हें कसम दी थी और मैं ही तोड़ रही हूँ। नेहा, एक मिनट। नेहा, मैं यहाँ के डायरेक्टर से मिलकर आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करना होगा, उसमें खर्चा होगा 1,25,000। लेकिन ये ऑपरेशन होगा नेहा, ये ऑपरेशन होगा। यहाँ तो मैंने तुम्हें कहा था कि मैंने अपने पिताजी के लिए FT फॉर्म भर के रखा है, फ्री ट्रीटमेंट फॉर्म।
यहाँ पे डॉक्टरों के रिश्तेदारों का इलाज मुफ्त होता है नेहा। लेकिन यही सवाल मुझे यहाँ के डायरेक्टर ने पूछा कि तुम क्या लगती हो मेरी। ये फॉर्म समा दिया, ये फॉर्म जो सिर्फ उन रिश्तों को समझता जिनके नाम होते, जिनके सर्टिफिकेट्स बना जा सकते हैं। इसलिए मैंने मैंने उन्हें वही जवाब दिया जो यहाँ की टेक्निकल कमेटी, यहाँ का डायरेक्टर समझ सके। मैंने उन्हें कह दिया यहाँ कि हम शादी कर रहे हैं। ये सही है गलत, इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं। बस इतना जानता हूं कि सिर्फ 48 घंटे हैं हमारे पास। या तो तुम ये फॉर्म साइन कर लो या मैं उन्हें कह दूंगा कि हमने अपना इरादा बदला। अरे बेटे तुम इतनी रात गए, क्या बात है? अंदर आओ अंदर आओ, लता देखो कौन आया है। तू फिक्र मत कर बेटा, इलाज के लिए तुझे रुपए चाहिए मिल जाएंगे। मैं दिन रात मेहनत करके आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा आंटी। लेकिन हम रिटायर्ड लोग हैं, इतने सारे पैसे लाएंगे कहां से? आप अच्छी तरह जानते हैं कहां से आएंगे रुपए। बेटा यहाँ की जो लॉटरी है। लता मुझसे वो नहीं होगा। तो क्या होगा आपसे? एक बेटा तो गंवा दिया, अब दूसरे को बर्बाद होते हुए देखोगे। क्या हुआ था आंटी? माँ बोल बेटा, आज मेरा बेटा होता तो माँ कहकर ही पुकारता। लता हमने तय किया था ये बात नहीं छेड़ोगी। डू नॉट स्टार्ट दिस अगेन। चाहे आप कुछ भी कहें, आपके उसूलों और ईमानदारी ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। आपको मेरी कसम, अगर आप मेरा दुख दूर करना चाहते हैं तो इस बेटे को खाली हाथ ना लौटाएं। देख बेटे, अगर ये बात किसी और को मालूम हो गई ना तो मैं नहीं अंकल। बात ये कि यहाँ की लॉटरी जो है उसमें बड़ी धांधलेबाजी होती है। नाम के वास्ते टिकट छपते हैं, लेकिन जो जो जीतने वाला वो लाखों का टिकट होता है वो सिर्फ उसी को मिलता है जो हजारों की घूस खिलाता है। हाँ। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे बेटा, इसीलिए सब कुछ जानते हैं। तो अंकल आप, आपने लिए तो कभी कुछ मांगा ही नहीं। हाँ इतना जरूर है कि 40 साल की सर्विस में इतनी इज्जत जरूर कमा ली है कि अगर तेरे लिए जीतने वाला टिकट मांगूंगा ना तो मिनिस्ट्री वाले ना नहीं करेंगे ना। ना 7-8 हजार रुपए का खर्चा हम कहीं ना कहीं से कर। नहीं अंकल, उतना तो मैं कमा लूंगा, उतना तो मैं अपनी मेहनत से कमा लूंगा अंकल। ये 3282 है, मैं बाकी कल तक ले आऊंगा। बेटा तुमने क्या समझा था कि हम तुम्हारे पैसों का इंतजार करेंगे? मैंने अपनी चेन गिरवी रख दी। तेरा टिकट आ गया, कल सवेरे की लॉटरी है। मगर माँ जी आपने अपनी चेन, कल जब पैसे मिल जाएंगे तो वापस लाकर पहना देना मुझे। हम दोनों पर नहीं, मेरे लिए। नहीं नहीं बेटा, इतनी बड़ी पदवी मत दे, हम तो हाड़ मांस के बने हुए कमजोर इंसान हैं। बस तुझे देखा तो ऐसा लगा कि अपना बेटा वापस आ गया। और सच बात तो यह है कि तेरी मदद करने के बहाने थोड़ी सी खुशी हमारे आंगन में भी आ गिरी। थैंक यू बेटे, थैंक यू। बस बेटा, कल से तेरी नई जिंदगी शुरू हुई। अपने पैसों से नेहा की माँ का इलाज कराना, बस तेरी कसम भी पूरी हुई। लीजिए माँ जी। ला, हम बना लेंगे। ये लो बेटा, ये फूल हमारी तरफ से नेहा बिटिया को दे देना। ये रहा तुम्हारा टिकट, लेकिन इसके बदले में हमें भी तुमसे कुछ चाहिए। क्या भाई, तुम जानते हो कि फूल कितने महंगे हो गए हैं। ये तो हमें खरीदने देगी नहीं, हमें एक फूल दोगे?
हेलो नेहा, नेहा मैं बिरजू बोल रहा हूँ, नेहा सुन रही हो? नेहा कुछ तो बोलो। बिरजू? हाँ नेहा, मैं आ रहा हूँ नेहा, ऑपरेशन के पैसे लेकर। मैंने कहा था ना जब तक माँ का इलाज नहीं करा लूँ अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। मैं आ रहा हूँ, मेरी कसम पूरी हुई नेहा, ये मेरे अपने पैसे है, लाखों रुपए। हाँ नेहा लाखों, मेरी लॉटरी निकली है, लॉटरी। सच बिरजू? हाँ नेहा सच, बिल्कुल सच। और सुनो, तुम सुन रही हो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नेहा, बहुत प्यार। तुम भी कह दो कि तुम मुझे प्यार करती हो और मुझे नाराज नहीं, कह दो कि मुझे प्यार करती हो। बिरजू बस आ जा। हाँ नेहा मैं आ रहा हूँ, कल कल ही आ रहा हूँ नेहा, कल कल। हाँ नेहा तू मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ, कल ही आ रहा हूँ। आ जा बिरजू, आ जा।